लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धक्का मत मारना हमको साथ में सरस्वती है। अरे धक्का मत मारना यार, सरस्वती को उतरने दो यार। अरे कोई धक्का मत मारना यार, सरस्वती का अपमान होता है उससे। हाँ, कहाँ तुम्हारी सरस्वती? यहाँ पर है। ये तुम्हारी सरस्वती है? हाँ यही है, क्यों? अरे भाई मैं तो समझा था शायद। पागल है साला, माफ करना ऐसे माई। ये वो अंधा है जिसकी आंखें, वो बहरा है जिसके कान है, फिर भी इसको माफ कर। हे माई, इस बंबई नगरी में हमारा चक्कर चला दे, चक्कर चला दे माई, हमको बहुत बड़ा स्टार बना दे। अरे मोरा सैया, मोरा सैया, मोरा सैया बुलावे आधी रात नदिया। क्या आवाज भाई है, वाह। हमको क्यों घेर लिया भैया? ये लफड़ा क्या है? इसमें क्या है? हाँ, किसमें? किसमें सरस्वती है? और लक्ष्मी कहाँ है? लक्ष्मी भाभी गांव में, उनको तो बच्चा हुआ है, तीसरे का तैयारी है। साला हमको बेवकूफ समझते हो कि तुम लोग एक ही बार पूछोगे और हम बता देंगे कि हमने सारा पैसा पैजामे में रखा हुआ है। चलो भाई। क्या यार? अरे लक्ष्मी लक्ष्मी चली गई। भुक्का आदमी को टक्कर मारता, हम तेरे को छोड़ेगा नहीं। अबे ओए लुगिनी चकर, आइयो। अरे तुम्हारे वजह से हमारी लक्ष्मी चली गई। आइयो जी, तुम्हारा लक्ष्मी गया, हमारा सरस्वती जाता, वो लड़कता देखो। अरे अरे हमारे पास भी सरस्वती है और तुम्हारे पास भी सरस्वती है। आइयो जी, क्या फायदा, ये भुक्का पेट सरस्वती को लेके क्या करेगा जी? सही कह रहे हो तुम, हमारा भी यही हाल है। हम भी गले में बाजा लटकाए, सीने में लाखों अरमान लिए शहर में आए हैं, ये सोच के कि यहाँ के संगीत के मुकाबले में हिस्सा ले सके। आइयो जी, ये डंडा लोटा लेके तुम भैंस के तबेले में जाओ, कंपटीशन का बात मत करो। अबे ओए, इतनी नफरत की निगाह से मत देख मुझे, मेरा अंदाज दुनिया से निराला है। मेरे गुरु ने कहा है कि बहुत ही जल्द मेरा वक्त बदलने वाला है। आइयो जी, तुम्हारा आवाज में दम, जादू, बट आइडिया थोड़ा चेंज। इस शहर में जब तक नसीब से नसीब नहीं टकराता, आदमी ऊपर नहीं जाता। क्या मतलब? नदीम का श्रवण से नसीब टकराया, लक्ष्मी का प्यार से, आनंद का मिलिंद से। बाय द वे, तुम्हारा नाम क्या? हमारा नाम श्याम सुंदर। हम मुत्तु, नाइस टू मीट यू, हम भी जोड़ी बनाएगा। श्याम मुत्तु, मुत्तु श्याम, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। अबे चल बे, हम किसी के साथ जोड़ी वोड़ी नहीं बनाएंगे। हाँ मुर्गा, मुर्गा, मुर्गा स्वामी। अबे क्या, अबे क्या हुआ बे? इसको समझ जाओ, सरस्वती का अपमान करता ही है। तुम सुर हम ताल, दोनों मिल जाएगा, कर देगा धमाल। ऐसा ऐसा तो ठीक है, लेकिन याद रखना, कभी अगर तुमने हमारे दिल को ठेस पहुंचाई ना, तो जोड़ी टूट जाएगी। श्याम, हम सर तोड़ेगा, पैर तोड़ेगा, पर जोड़ी नहीं तोड़ेगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये टिप्स कैसेट की कंपनी कहाँ है? कहाँ है? कहाँ कहाँ है? अबे मैं तुझसे पूछ रहा हूँ बे, कहाँ है? अबे कहाँ है? अबे कहाँ है? अब पूछ के बताएगा। तो इतनी देर से कहाँ है, कहाँ है, क्या कर रहा है? अरे ठहरो ठहरो, कहाँ जा रहे हो? अबे तेरे तो तुमन है मेरा कपड़ा नहीं पकड़ा, बल्कि शराफत का गला घोटा है। श्याम, ये कंपनी नहीं चलाता, इधर का चपड़ासी। अच्छा बताओ, चपड़ासी है और बेइज्जती कर रहा है? नो नो, संगीतकार, अभी विदाउट कार आया, जब जीतेगा तब कार में जाएगा। कार में आएंगे, शक्ल लगी अपने आईने में। अबे गंदी गंदी शक्लों वालों के पास कार होती है, हमारी शक्ल में इसी क्या खराबी है? ये देखो शाम, अरे बाबा, अबे मुतुए श्याम, देख रहे हो? ठंडो ठंडो ऑफिस जी। अरे माजी पायला गुमाजी, क्या आप हमको बता सकती हैं यहाँ पर मालिक का कमरा कौन सा है? श्याम, ये माजी नहीं होना, ये पुतला जी होना। क्या बात करते हो, देखे। अरे अरे यहाँ तो पता ही नहीं लगता कि आदमी कौन है और पुतला कौन है। चाबु वांग उठाओ टांग। अरे कमाल है भैया। लेफ्ट में भीड़ है, राइट में घुस लो। मुट्टू चाबु, ये बड़ी अजीब कंपनी है रे।
यहाँ पर चारों तरफ पुतले ही पुतले रखे हुए, कोई आदमी दिखाई नहीं देता। अब यही पुतला पकड़ लो, ऐसा लगता है जैसे कोई आदमी पालती मार के बैठा है। सारी री 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 सा वा 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 सारे री 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 सो मो 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 सारे का वा फादा निशा सा सारे का वा फादा निशा सा सारे का वा फादा निशा सा। आयो चाब पुतला ठीक था जी। कौन है? कौन है वो? तुम अंदर कैसे आ गए? तुम बोलने कैसे लगे? घुर गए पुत्तू? चाब बचवेन पुत्तू चपरासी। आयो जी, आयो जी, सुनियो जी, हम कलाकार संगीतकार, हमारे तबला तो जी पागल हो जाएगा तुम। बचवेन गोरखा हो गया जी पागल। चपरासी, अरे बुलाओ गोरखा। वॉचमैन, चपरासी, तुम लोग ड्यूटी करते हो क्या, मजाक करते हो? ये लोग अंदर कैसे आ गए? हम बताते हैं, ये भाई साहब बीड़ी पी रहे थे, हम लोग झट से अंदर घुस गए। बाहर निकालो उनको। देखिए हम लोग संगीतकार है, कलाकार है, ऐसी नफरत की निगाह से मत देखिए हमें, बाद में पछताएंगे आप। मेरा अंदाज दुनिया से निराला है और मेरे गुरु ने कहा है कि बहुत ही जल्द मेरा वक्त बदलने वाला है। हमको भी उठाओ, हमको भी उठाओ। मुट्टू साहब, मुट्टू श्याम, मुट्टू श्याम। वैसे कोई गाड़ी आएगी तू जाके उससे टकरा जाना, टकरा दे मर जाना, मैं उसको जाके धर लूंगा और उससे पैसे ऐट लूंगा। सुपर्ब, एक्सीलेंट, तुम्हारा खोपड़ी बहुत ही अच्छा जी। अबे ट्रैक्टर आ रहा है, ट्रैक्टर आ रहा है। अयो मर गया। अरे हट जा, ब्रेक नहीं लगा, वो ब्रेक फेल हो गया। मुत्तू, मुत्तू रे, अब नहीं। चुप, मर जाना मगर आपके इस गाड़ी से जरूर टकराना। जा बे जा। गिर गया, मर गया, फिर मर गया। चढ़ी तेरी गाड़ी चढ़ी, हम दिल से गया, हम जाते गया। अरे नहीं नहीं नहीं, ये क्या किया आपने? इनकी हालत तो बहुत खराब है। अयो मैंने एक्सीडेंट नहीं किया, ये तो खुद गिर गया था। अरे हमको गिर गया था क्या? भगवान हम आ रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? अगर आप मर गए तो इनको जेल हो जाएगी, इनकी जवानी को जंग लग जाएगा भैया। नहीं, हमारा टाइम आ गया, यमराज कॉलिंग कमिंग गोइंग। हे राम, हे राम, ये तो निकल लिए, ये तो निकल लिए, लेकिन आप घबराइए मत, हम इनकी लाश को ठिकाने लगा देंगे। 2000 रुपए दे दीजिए, सारा काम कर। 2000 रुपए? अरे ये तो हम हैं, इसीलिए भाव कम है, कोई और होता तो। समझ रही है ना? समझ गई, मैं अभी 2000 रुपए लेके आती हूँ। जल्दी करिए, गड़बड़ हो जाएगी सब। मुत्तू भाई, हो गई कमाई। अरे बात कमाई लग रही जाएगी, सफाई हो जाएगी साले। अरे अरे आजा। मुत्तू, मुत्तू शाबू। स्वामी जी आओ आओ आओ। अयो जी, ये आंख पाड़ पाड़ के क्या देखता, पूरा दुनिया इसके पैर में गिरता, तुम आंख पाड़ के देखता। मगर ये कौन सा स्वामी है, मैंने पहचाना नहीं। अयो इनको नहीं पहचाना? द तानसेन ऑफ बैजू बावरा, द मुगले आजम ऑफ अकबर बादशाह, बीरबल ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, आके शोला एंड शबनम, राज बाबू। एकराना आगरा का घराना पुराना, एकराना आगरा का खुश रहो घराना, खुश रहो खुश रहो पुराना, एकराना खुश रहो खुराना आगरा का घराना पुराना खुराना। सर वड़कम वड़कम, हम कम। ओ ऐसे कैसे कम,
ये कौन है? अयो इनको नहीं पहचाना, ये तानसेन के कजन का कजन चतुरसेन। चतुरसेन? तो मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। अयो कैसे सुनेगा जी, ये चतुरसेन बहुत चतुर, आज तक अपना नाम किसी को बताया नहीं। तो नहीं बताया तो मेरे को बताने की क्या जरूरत है? साल कमरे में बंद होकर हारमोनियम बजाया, आज बार आया सीधा कॉम्पिटिशन के वास्ते। ओ मगर तू कौन है, मैंने तेरे को भी नहीं पहचाना अब तक। अयो मेरे को कैसे पहचानेगा, आज मैं गेटअप चेंज कर गेटअप। अप्पा ओए अप्पा, ओ मैं तेरे को पहचान लिया। ओ वॉचमैन है, ओ वॉचमैन है, इधर से आएगा, नहीं चारों तरफ से आएगा। साहब लक्ष्मी प्यारे चोली के अच्छा, पीछे बेल मारूंगा। सर अब मैंने क्या किया? वो तूने इनको अंदर आने कैसे दिया? हाँ भाई तुम लोग अंदर, ये तू अंदर कैसे? अरे सर ये अंदर कैसे? ओ बाहर निकाल रे, तो तुम भागो रे, चल निकल रे, चल निकल। यहाँ माना ही है पूजा, धोती छोड़ छूट जाएगी, आगरा का घराना पुराना है खुराना। देना भगवान एक चांस, देना देना भगवान एक चांस, देना देना भगवान एक चांस। देखो देखो उधर देखो। अरे मुत्तू ये तो टिप्स कंपनी के मालिक की बेटी है। अयो जी। अरे मुत्तू मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्या जी? एक प्लान है। अयो प्लान प्लान नहीं जी। अबे तो करता क्यों मेरा प्लान, तो सुन। देख तू अपने मुंह पे काला कपड़ा डाल लेना, हाय चोर बन के जाना, उसका पर्स छीन लेना, हाय वो चिल्लाएगी बचाओ बचाओ मेरा पर्स, हाय मैं हीरो बनकर वहां पहुंचूंगा, बिजली की तरह तुझ पे टूट पड़ूंगा, तुझे उठा उठा कर 6-7 बार पटक दूंगा, 8-10 बार उछल उछल के घूसा मारूंगा, तुझे कुत्ते की तरह मारूंगा, बाद में तुझसे पर्स छीन लूंगा, ले जाके लड़की को दे दूंगा, लड़की मुझसे कहेगी थैंक यू, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। मैं कहूंगा कि ज्यादा कुछ नहीं, बस अपने मुकाबले में गाने का मौका दे दीजिए, और मौका मिल सकता है मुत्तू। मुत्तू सुपर फैंटास्टिक, नहीं मिल सकता है मौका है? बट आइडिया थोड़ा चेंज। बोल। विलन तुम बनना, हीरो हम बनना। अरे पगले तूने कभी अपनी शक्ल देखी है? तू कॉमेडियन लगता है रे। जी अब थोड़ा गंजा, थोड़ा काला, थोड़ा मोटा, थोड़ा छोटा, पर बाकी बॉडी एकदम हीरो के माफिक। अबे बाकी बचा क्या बेवकूफ? देख हीरो जो होता है ना वो ऐसा होता है, ऐसा। अयो रंग बरसे होता है। अबे हीरो ऐसा होता है रे। अयो हीरो ऐसा होता है। अबे हीरो ऐसा होता है मुत्तू। अयो हीरो ऐसा होता है मुत्तू। जोड़ी टूट चुकी है। अयो शामू शामू जोड़ी नहीं तोड़ना। अब जाता, अब गया, अब पहुंच गया। क्या है, क्या कर रहे हो? ए, अम्मा बोलना नहीं, सिर्फ चिल्लाना, बचाओ बचाओ बचाओ। अब तू चिल्ला क्या है? बस कीजिए, क्या है? क्यों मार रही है इसे आप? रास्कल, तो आजकल लड़कियों के पास छीने शुरू कर दिए तुम लोगों ने, चोर कहीं के? अभी पुलिस को बुलाती हूँ, रुक जाओ। अम्मा दयालु अम्मा, अब चोर नहीं, हमारा फेस का बनावट ऐसा कि हम चोर दिखता। ये सच कह रहा है, गांव में कहीं भी चोरी हो जाती थी ना, पुलिस आके इसे ही मारती थी। बड़ी दर्दनाक कहानी है इसकी। वरना बहुत बड़ा संगीतकार कलाकार, लेकिन आजकल एकदम बेकार। सड़क पर बैठकर तबला और हारमोनियम बजाने को आप लोग संगीत समझते हैं? संगीत किस चिड़िया का नाम है, उसकी ABC भी जानते हैं आप लोग? मैम साहब इतनी नफरत भरी निगाहों से मत देखिए हमें, मेरा अंदाज दुनिया से निराला है, और मेरे गुरु ने कहा है कि बहुत ही जल्द मेरा वक्त बदलने वाला है। अच्छा इतना विश्वास, इतना अच्छा गा लेते हो? आप एक बार गाने बजाने का मौका तो दीजिए, आप जहाँ गाने बजाने को कहेंगे वहाँ गा बजा लूंगा, जितनी बार गाने बजाने को कहेंगे उतनी बार गा बजा लूंगा, जैसे गाने बजाने को कहेंगे वैसे गा बजा लूंगा, बगैर थके हुए गा बजा लूंगा, मगर एक बार मौका तो दीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हारे गाने की कैपेसिटी पहले मैं जांच तो लूं। मेरे जान पहचान के एक बहुत बड़े विद्वान है, पहले उनसे मुकाबला करवाती हूँ, और अगर वहाँ ठीक से गा सके तो फिर टिप्स की कंपटीशन में तुम्हारा हिस्सा 100%। श्याबू आई अजी कर पड़ी है। आप लोग यही रुकिए, मैं भी गुरुजी को बुलाती हूँ। बहुत अच्छा लड़की है। आओ मुत्तू उस गद्दे वाले मंच पर बैठ के सुर से सुर मिलाते। शाम इधर सुर से सुर कैसे मिलेगा जी? अरे बेवकूफ, कलाकार चाहे शराब के अड्डे पर हो
तवायफ के कोठे पर या अखाड़े में? कलाकार तो कलाकार होता है मेरे भाई। कौन है बे? ये नाजुक से फूलों की पत्ती है, ये सरस्वती है, इस पर हल्के हल्के उंगलियां फेरी जाती है, घुसा नहीं चला जाता। दरअसल तुमको मुकाबला इनके साथ करना है। अयो अम्मा, कॉमेडी क्यों करता जी? ये मोटा पहलवान चड्डी बनियान पहन के फाइटिंग कर सकता, हमारे शामू के साथ मुकाबला नहीं। तू बनियान क्यों रगड़े जा रहा है? यू तो की तू भी। अबे क्या हुआ? अरे अरे शामू, अबे पागल है क्या? मारा क्यों? ए आई एम कमिंग। क्या लियो? अरे 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 रुको, ये पागल है यार, ये पागल है, इसको रोको यार, कोई अरे कोई रोक लो यार, अरे रुक जा यार, तेरे को अरे बचा लो यार, पागल पुत्र पागल हमको। अबे 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 देख, मार रही मारेगा तो देख, तेरे को भी गलत जगह मार दूंगा मैं उठा के। ए मार रही है रेलिंग में। अबे साइड ले, अरे ये तो अंदर आप भी आ रहे हैं, ये अंदर आ रहे हैं, अरे कंटिन्यू, अरे मार ले, अरे आई टेल यू अरे क्यों? बड़ी डींगे मारा करते थे यार, कि ऐसे भी गा सकता हूँ, वैसे भी गा सकता हूँ। नाउ कम ऑन गा। उठ पाग, ये बैंड तो तेरा चलते नहीं बना देगा। हमारे यार सुन रहा ही नहीं है, बस अगले ने बोल बोल के मारा जा रहा है, फिर पकड़ ले रहे। अयो मुर्गन स्वामी, मेरे शामू की बॉडी में ताकत दो बाबर, ये मारेगा मारेगा शामू, कम ऑन। पागल हो गया ये, मार डालेगा मैं सारे। अबे अबे उठा क्यों रहा है, तेरी ऐसी तेजी मारू। अबे पगले पैर पड़ता, ये बम्बई घूमने को नहीं आया, ये संगीतकार बनने को आया। गो फॉर इट जैक। सी दिस गाइस, अच्छा दिस गाइस, साला आजादी के बाद भी मार रहा, वो भी अंग्रेजी बोल बोल के। अब देख बेटा, जब हिंदुस्तानी मारता है तो कैसे मारता है, तेज़ तो पहिया का पहिया मार। मजाक? अपने मजाक के चक्कर में किसी की जान ले लोगे तुम? हम तो यही समझते रहे कि औरत जैसी भी होती है वो देवी होती है, क्योंकि उसके दिल में दया होती है। यही सोच, यही उम्मीद लेकर हम लोग तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ते रहे कि हम गरीब ठोकर खाते हुए कलाकारों के ऊपर दया खाकर तुम हमें गाने का एक मौका दे दोगे। मगर तुम तो बहुत ही बेरहम, पत्थर दिल, मगरूर और घमंडी लड़की हो। क्या समझती हो तुम अपने बारे में, कि तुमने हम जैसे गरीब कलाकारों को जलील कर दिया तो बहुत बड़ा काम कर दिया? मजबूर और बेकसों को कुचलकर इंसान बड़ा नहीं बनता, बड़ा बनने के लिए छोटों की तरफ झुकना पड़ता है। कुचले हुए को मरम लगाकर, गिरे हुए को सिरे से लगाकर इंसान बड़ा बनता है। मगर तुम्हारी सिर्फ कंपनी का नाम बड़ा है, उसकी इमारत बड़ी है, मगर तुम्हारा दिल बहुत छोटा है। और एक बात सुन लो, कि गाना तो हम अच्छा गाते ही हैं, मगर बाजा और भी अच्छा बजाते हैं। गांव में अच्छे अच्छों का बाजा बजा दिया हमने, चल मत तो। अच्छा मुत्तू, हमारा तो दाना पानी यहाँ पर इतना ही लिखा था, दो दिन के लिए जोड़ी बनी और आज टूट रही है। मगर यार तुम्हारी याद बहुत आएगी हमको। आइयो अब याद नहीं आएगा, हम तेरे साथ जाएगा। माँ
बाप भाई बहन कैसा होता है अब नहीं देखा, पर दो दिन का दोस्ती में तेरे साथ हम सबको देखा, हमको फिर से यतीम मत करना। अरे अब हमारे नसीब में ठोकरें लिखी हुई है, तुम हमारे संग ठोकर क्यों खाते हो भाई? नो प्रॉब्लम, हम रोटी नहीं खाएगा पर तेरे साथ ठोकर खाकर अपना पेट भर लेगा, भरम जाएगा। चलो श्याम, चलो चलो जो होगा देखा जाएगा इसकी। श्याम हाँ, चढ़ने से पहले एक कहानी बता। आज से 25 साल पहले अमिताभ बच्चन इसी स्टेशन से तेरी तरह मायूस होकर वापस जा रहा था, पर प्रकाश बेरा का लेटर आया बाद में जंजीर बनाया। श्याम अयो, प्रकाश बेरा खुद आया। ये कहां से आ गए? सॉरी श्याम, मैं तुम दोनों को अपने साथ ले जाने आई हूं। श्याम मुत्तू, कमाल कमाल। वो बंद कर रहे है? मैं बात कर रहा हूँ। कमाल कमाल डैडी, नमस्कार नमस्कार। ए कौन है? है शक्ल तो जान पहचान की लगती है, है? ओए ये वही है घराना, मेरे डैडी हैं। आगरा का घराना पुराना घराना। अप्पा खाना बहुत अच्छा, काते काते हाथ तक गया, मुंह तक गया, पेट तक गया, पर नियत नहीं तका। बहुत दिनों बाद ढंग का खाना खाया है ना। खा। अच्छा तुमने क्यों हाथ रोक लिया बेटा? हमारा पेट एकदम भर गया। ये दाल लीजिए ना, मैंने स्पेशली आपके लिए बनवाई है। नहीं नहीं, हमारा पेट एकदम भर गया। देखिए मैंने बहुत चाव से बनवाई है, अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं सब उठाकर सड़क पर फेंक दूंगी। सड़क पर फेंक दूंगी? अयो ओ पुत्र, तुम इसके गुस्से से वाकिफ नहीं हो। ये एटम बम है, एटम बम। एक पंडित के लिए इसने खीर बनाई थी, उसका पेट भर गया, उसने खाने से इनकार कर दिया, इसने पूरा प्याला लेकर उस पंडित पे डाल दिया। अरे वो काला पंडित सफेद खीर में नहा गया। अम्मा खीर के साथ कभी ऐसा मत करना। मतलब पंडित के साथ करना? क्या डैडी आप भी पुरानी बातें लेकर बैठ गए, उस वक्त मेरी उम्र क्या थी? सिर्फ 5 साल की तो थी मैं। 5 साल? अप्पा उसके बाद इसका गुस्सा खत्म हो गया? ओए नहीं मत्तू, जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती गई उसके गुस्से का थर्मामीटर बढ़ता चला गया। अच्छा। एक बार मैं टेरेस पे काम कर रहा था, ये मेरे पास ही कहने लगी मुझे साइकिल दिला दो। मैंने कहा नहीं पुत्र, बच्चे लोग साइकिल नहीं चलाते, डेंजरस चीज होती है। बस गुस्से में पलटी, पैरापेट वॉल पे चढ़ी, वहीं से छलांग लगा दी। उस समय मैं सिर्फ 10 साल की थी। अयो अम्मा बहुत गुस्सा वाला। अरे इसके गुस्से की दास्तानें सुनाऊंगा तो तुम लोग ये शहर छोड़ के भाग जाओगे। अप्पा शहर छोड़ के नहीं जाना, दाल खाना। ठीक है, ये मीठा भी लीजिए ना प्लीज। नहीं नहीं अभी हमारा पेट भर चुका है, अभी हमको ज्यादा परेशान। चुपचाप खाना नहीं तो ये भी सड़क पे फेंक देगा। खा रहे पुत्र। यार तू मुझे बड़ा सोना लगा, तेरा म्यूजिक तो मुझे खासकर बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल साफ सुथरा। ऐसे ही साफ सुथरे हिंदुस्तानी म्यूजिक को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने के लिए मैंने कंपनी खोली है, मगर अब जरा मेरी तबीयत ठीक नहीं रही थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी का हिस्सा बनकर मेरा साथ दे बेटा। आप फिक्र मत करो, हम जरूर आपका साथ देंगे, पर आइडिया थोड़ा चेंज है। पहले इसका उलिया बदलना, इसको गाँव का गवार से शहर का होशियार बनाना। वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ए, ए नाना, अरे नाना सुन तो। आहिस्ता आहिस्ता, सांस क्यों फूल रहा तेरा? अरे यहाँ सांस बंद होने का वक्त आ गया है, पता है मालिक ने मेरी जगह नया मैनेजर रख लिया कंपनी में। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? हाँ। अरे मैं था तब तक टिप्स कंपनी के नाम पे डुप्लीकेट कैसे हम लोग बाजार में बेच सकते थे, लेकिन अब मुश्किल है दोस्त, लगता है हमें धंधा बंद करना पड़ेगा। क्या बात कर रहा है बे, ये बड़ी बड़ी कंपनियों वाले हमारा हाथ नहीं रोक सके, पुलिस कुछ नहीं कर सकी, और ये कल का लौंडा मैनेजर बन गया है, उसके लिए अपना धंधा बंद करना पड़ेगा क्या? अरे बात समझो नाना, ये जो नया लौंडा है ना वो खुराना साहब के बहुत नजदीक है।
तो हम उसे अपने नजदीक कर लेंगे। ये भी मुश्किल है। अगर वो हमारे करीब नहीं आया ना तो मैं उसे मौत के करीब कर दूंगा। मौत के? अरे बाप रे। आज से ये कंपनी, इसकी ये कुर्सी, इसकी जिम्मेदारी तेरे हवाले है पुत्र। इस सम्मान और इज्जत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन डैडी, ये जिम्मेदारी निभाने से पहले एक और फर्ज है जिसका निभाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। वो क्या पुत्र? वो जो इनाम के 50,000 रुपए मुझे मिले थे, वो अगर जल्दी मिल जाते तो गांव जाकर अपनी माँ से मैं पहले मिला था। ओ हाँ, क्यों नहीं, ये ले, वो पैसे मैंने तैयार रखे थे यहाँ तेरे लिए। बस 2-4 दिनों की बात है, मैं गांव से आते ही आपकी सारी जिम्मेदारी संभाल लूंगा। मुत्तू चलो जी। शाम जब तू गांव से आया कितना कड़का, पर आज बहुत अमीर लड़का। बाद जी तुमको देखेगा तो उनका आईडी चेंज हो जाएगा, बहुत खुश होगा जी वो। हाँ, माँ भी बहुत खुश होगी और पूजा भी बहुत खुश होगी। पूजा? ये कौन है जी? पूजा वही है जिसने मुझ जैसे नाकारा और आवारा लड़के को इंसान बना दिया। तू नहीं जानता मुत्तू, आज जो कुछ भी हो ना मैं, इसमें पूजा का बहुत बड़ा हाथ है। प्रसाद हमें भी तो देते जाओ। लीजिए। हलवाई की दुकान का बना हुआ प्रसाद नहीं, शरीर के पेड़ पर उगा हुआ जवानी के फल का प्रसाद चाहिए। अरे ये आवाज कैसी, बादल गरजा क्या? श्याम भैया ये बादल नहीं गरज रहे हैं, ठाकुर के बेटे के गाल गरज रहे हैं। हाँ, इस लड़की ने उसके गाल पर चाटे का वो हाथ मारा है कि इसके बिल्डिंग का प्लास्टर ही उतर गया। अरे वाह, अरे तो ऐसा लग रहा है जैसे तलवार साड़ी में लिपट कर कलेजे में घुसती जा रही है यार। अरे अरे मेरा कुछ करवाओ यार, अरे मेरा इससे ब्याह रचवाओ, वरना मैं कुएं में कूद कर तलवार कलेजे में मार कर या किसी ट्रेन के नीचे आकर जान दे दूंगा। अरे कहां से आई है, ये कौन है यार? चलो चल चल पुजारी से पूछते हैं। ए चल चल पुजारी। हाँ। कौन है ये नारी? माधवराव, विख्यात विद्वान प्रसिद्ध संगीतकार, नदी के उस पार गंगापुर में आकर के बसे हैं, उन्हीं की बालिका है पूजा। पूजा? मैं तेरा पुजारी? ऐसी वैसी लड़की नहीं है वो। तो कैसी लड़की है वो? आग है आग। आग? अरे अगर ये आग है तो मैं अंगीठी हूँ, अगर ये राग है तो मैं संगीत की पेटी हूँ। ये क्या शाम? हाँ? तू उस पुजारी की बातों से डर गया? हाँ? अरे उसने कहा वो लड़की आग जैसी है, इसलिए तू घबरा गया उसे। चुप रे बेवकूफ। अरे मैं तो पवित्र पूजा के पवित्र घर में प्रवेश करने का पवित्र रास्ता तलाश कर रहा हूँ। तो फिर मिला कोई रास्ता? केवल एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता है? मुझे पूजा के पवित्र पिता का शिष्य बनना पड़ेगा, पड़ेगा। शिष्य बन के संगीत सीखना पड़ेगा, पड़ेगा। और उसके लिए बाजा पेटी चाहिए, चाहिए। और उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, चाहिए। और पैसा कहाँ से आएगा? अरे पैसा कहाँ से आएगा? बोल आएगा। गाय हाय। अरे ये बछड़ा कहाँ चला गया? अरे शाह बोल माँ, तो ये बछड़ा कहाँ चला गया, कोई चुरा के तो नहीं ले गया? अरे माँ तू उस बछड़े के बारे में सोचना छोड़ दे और अपने इस बछड़े के बारे में सोच। कैसे सोचू बेटा, देख गैया माँ कितनी परेशान है। अरे तो गैया माँ को बता कि उसका बछड़ा गया और उसकी जगह माँ सरस्वती स्वयं आ गई। राम गोपाल? अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप राम गोपाल के बेटे हो जी? अरे वो तो हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे, बड़े करीबी दोस्त थे, तो उनका अचानक देहांत हो गया, इसका हमें बड़ा अफसोस है बेटा। पिताजी जब जीवित थे तो सुबह शाम दिन रात हर घड़ी आप ही का नाम लिया करते थे। कहते थे कि आज के दौर में माधव जी जैसे गुणी लोग पैदा कहाँ होते हैं, ढूंढने से भी मिलते नहीं। और जब उनका अंत समय आया तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि बेटे श्याम, तू माधव जी जैसा ही संगीतकार बनना, शिष्य बनकर उन्हीं के चरणों में पड़ा रहना। और ये कहते कहते उनके प्राण। रो मत मेरे बच्चे, रो मत, धीरज रख बेटा। ये आपकी पोती है क्या? नहीं, हमारी बेटी है। आपका नाम सरस्वती है क्या? जी नहीं, मेरा नाम पूजा है। एक ही बात है, अरे सरस्वती की तो पूजा होती है यार। बेटी इनके लिए चाय लाओ ना। जी। पूजा जी ना,
चाय सिगरेट चिरुट बीड़ी पान जर्दा तंबाकू ब्रांडी विस्की या रम, इन सब चीजों के पाले ही नहीं मैंने गम। अरे वाह वाह, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। बेटे संगीत के लिए शर्म और साधना के लिए आत्मा की आवश्यकता होती है। आत्मा? फौरन साधना शुरू कर दो मेरे बच्चे। मैं आज ही से साधना की पूजा शुरू कर देता हूँ। भैया वाह, आधी बाजी मार ली, आधी मारनी बाकी है। उसके घर में जगह बना ली है। हाँ, अब उसके घर में कभी भी आ जा सकता हूँ मैं। थोड़ा सा छुआ है, थोड़ी सी छिड़कानी की है, नदी में धोखे से पकड़ कर उसको अपनी तरफ खींच लिया, बाहों में जकड़ लिया, और तो और उसकी पतली चिकनी कमरिया पर हल्के से चिमटी भी मार दी भैया। अच्छा, अरे तो फिर देर किस बात की है? अरे पागल, यहाँ से तो पिलान शुरू होता है। पिलान? हाँ पिलान, अभी तो हम नदी में कूदेंगे। नदी में? हाँ, नदी में कूद कर झट से मछली पकड़ कर उसको अपनी जेब में डाल देंगे और इसी तरह गीले कपड़ों में पूजा के घर जाएंगे। पूजा दरवाजा खोलेगी ठड़ाक और बाहर आकर कहेगी, ये क्या, आपके कपड़े कैसे गीले हो गए जी? अरे आपके कपड़े गीले कैसे हो गए? मैं कहूंगा आपके और हमारे गांव के बीच में जो नदी पड़ती है ना, उस नदी में बाढ़ आ गई। संगीत का समय हो रहा था, आप हमारा इंतजार कर रही थी, इसलिए ना हमने आ देखा ना ताओ, सीधा नदी में कूद पड़े और तैरते तैरते आपके घर तक पहुंचे हैं पूजा जी। और वो कहेगी, वाह वाह श्याम जी, कितने हिम्मत वाले पुरुष हैं आप। वो वहां तारीफ करेगी, मैं छींक दूंगा। छींकते वो कहेगी, करिए क्या, आपको तो सर्दी हो गई, कहीं आपकी तबीयत खराब ना हो जाए, बैठिए मैं आपका सर पोंछ देती हूँ। ऐसे कैसे रहने दूं, आपकी तबीयत बिगड़ गई तो? बैठिए मैं आपका सर पोंछ देती हूँ। वो हल्के से अपना पल्लू उठा के मेरा सर पोंछने लगेगी। वो वहां सर पोंछ रही होगी, मैं जेब से मछली निकालूंगा और उसके कपड़े में डाल दूंगा और वो इसी तरह आकर मेरी बाह से लिपट जाएगी। थोड़ी देर बाद मैं उसके नरम नरम गालों को पकड़कर होठों पर नहीं, गालों पर पप्पी दूंगा। अबे फिर के बच्चों, देख क्या रहा है, उठाकर हमको नदी में फेंक दो। अरे ये क्या, आप तो बिल्कुल भीग गए। वो क्या हो गया पूजा जी, आपके और मेरे गांव के बीच में नदी है ना, अचानक उसमें बाढ़ आ गई, मगर मैंने कहा कि संगीत सीखने का समय हो रहा है, आप मेरी राह देख रही हैं, इसलिए मैं अपनी जान हथेली पर रखकर नदी में कूद गया, उछलती लहरों से लड़ता लड़ाता आपके दरवाजे पर आया हूँ पूजा जी। अरे वाह, आप कितने हिम्मत वाले हैं। अरे ये क्या, ये तो जैसा मैंने सोचा था वैसे ही जवाब देती जा रही है। आप मेरी तबीयत के बारे में चिंता मत कीजिए पूजा जी। मगर मैंने आपकी तबीयत के बारे में अभी तक पूछा ही नहीं, आप मेरे सवाल से पहले ही जवाब दे रहे हैं। अच्छा, ये सब तो गड़बड़ हो रही है। मेरे ख्याल से आपको सर्दी लग गई है, अगर छींके आने लग गई तो? अरे ये छींक लेने वाली बात तो मैं भूल ही गया था। देखा, मेरे कहते ही आपको छींके आनी शुरू हो गई, आप छींक लेना भूल गए थे। हाँ मगर मैं छींक लेना भूल गया था, ये आपको कैसे मालूम पड़ा? मुझे सब मालूम है। अच्छा, पहले आपको छींके आएंगी। हाँ, उसके बाद मैं आपसे कहूंगी कि आप बीमार हो जाओगे। हाँ, और अपने पल्लू से आपका सर पोछूंगी। हाँ, मौका मिलते ही आप मेरे घाघरे में मछली डाल दोगे और मैं चिल्लाकर आपकी गोद में गिर जाऊंगी और आप मुझे सीने से लगा लोगे और उसके बाद क्या हरकत होगी मुझे सब मालूम है। अरे लेकिन बिना कोई हरकत किए आपको होने वाली हरकत का पता कैसे चला? कैसे पता चला? संगीत के नाम पर झूठ बोलकर, मेरे पिताजी को धोखा देकर तुमने इस घर में प्रवेश किया। तुम्हारा इस घर में प्रवेश करने का मकसद क्या था? तुम्हारे मन में कितने गंदे इरादे छुपे हुए हैं, वो सब मैंने अपने कानों से सुन लिए, जो तुम बेशर्मी से अपने दोस्तों को मजे लेकर सुना रहे थे। संगीत का मतलब साक्षात सरस्वती होती है, यानी देवी, और तुमने एक स्त्री के शरीर को पाने के लिए सरस्वती का सहारा लिया, एक देवी की साधना को गाली दी। देवी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। Thank you.
बहुत कम समय में कठोर साधना की है, अब तुम्हारा वक्त बदलने वाला है, एक दिन तुम बहुत बड़े कलाकार बनोगे, ये तुम्हारे गुरु का आशीर्वाद है। पूजा, तुम्हारे एक चाटे ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं तो बुराई के जहरीले कांटों भरे रास्ते पर चल रहा था, तुमने मेरा रुख ही मोड़ दिया। मेरी मेहनत और कामयाबी के पीछे सिर्फ तुम्हारा हाथ है, और यकीन मानो मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया, तुम्हारी नजरों में इज्जत पाने के लिए, तुम्हारे दिल में थोड़ी सी जगह पाने के लिए। अगर तुम मुझे इस लायक समझो, और आज भले तुम मुझे अपनाओ या नहीं, मगर मैं उस वक्त तक तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा जब तक तुम खुद आकर मुझसे यह नहीं कहोगे कि श्याम मैंने तुम्हें माफ किया। छोड़ दे मुझे कमीने, छोड़ दे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। तूने सारी बस्ती के सामने मुझे थप्पड़ मारा था ना, आज मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। मेरे गले में मंगलसूत्र डलवा दिया। अब जब मां ने ही आशीर्वाद दे दिया है तो हम कौन होते हैं। पूजा, आज तेरे कपूत में इतनी हिम्मत आ गई कि मेरे बेटे में हाथ उठाया उसने। हाँ ठाकुर साहब, माधव जी की बेटी के साथ आपका बेटा इंसानियत से गिरी हुई हरकत कर रहा था, इसीलिए मेरे शाम को उसकी रक्षा के लिए बीच में आना पड़ा। अच्छा, और इनके बेटे और माधव मास्टर की बेटी के बीच किस प्रकार के संबंध है जरा पूछे इनसे, पूछे ना पिताजी। पूछना किस बात का, गांव की एक मजबूर लड़की की आबरू बचाकर मेरे बेटे ने कोई बुरा काम नहीं किया, ऐसे लड़के को तो गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। 10 साल पहले इसने हमसे कर्ज लिया था, आज तक बहाने बना के टालती रही, ना असल चुकाती है ना सूद, क्या ये इसकी गलती नहीं है? मेरे बेटे की गलती पे इसके छोकरे ने उसे मारा, अब इसकी गलती पे अगर मैं इसे मारूं तो कोई गलत बात नहीं है क्यों? शामो, अरे शामो बेटा, तू कहाँ जा रहा है बेटा? ठाकुर के टुकड़े टुकड़े करने। अरे बेटा, तू ऐसा करके गांव वालों के सामने मेरा सर क्यों नीचा करना चाहता है? माँ, परसों पुराना ठाकुर साहब का कर्जा नहीं चुका सकी तो उसने मेरे मुंह पर चाटा मार दिया, अगर मेरा बेटा लायक होता तो उस चाटे के जवाब में उसका कर्जा लाके उसके मुंह पर मार देता। है तुझमें हिम्मत उसका कर्जा चुकाने की, अपनी माँ का सर ऊंचा करने की? बोल, है तुझमें हिम्मत?
श्यामू मेरा बेटा। अयो माँ जी, हम भी तुम्हारा दूसरा बेटा पुत्तू स्वामी। माँ, ये टकला बंबई की देन है, बंबई में मुझे भाई जैसा दोस्त मिल गया है। अयो श्यामू। अरे तू तो एकदम बाबू बन गया है रे। माँ, ये सब तेरे आशीर्वाद और ऊपर वाले की मेहरबानी का नतीजा है। उसकी मेहरबानी का कर्जा जिंदगी भर पूजा करके भी नहीं चुका सकती बेटा। हाँ, लेकिन ठाकुर का कर्जा तू आज ही चुकाएगी। जब तक तेरे इन हाथों से ठाकुर का कर्जा नहीं चुकाऊंगा, अपने घर की दहलीज भी नहीं चढ़ूंगा मैं। तू चल माँ, तू चल। अच्छा तुम जाओ जी, हम इतने में गांव का सीनरी देखता जी। ठाकुर, ये रहा तुम्हारा असल और ये है इसका ब्याज। क्या बात है भाव, जल्दी माल बटोर लाया। हिसाब चुकता हो गया, जा सकता है। नहीं, अभी हिसाब चुकता नहीं हुआ माँ। ये था असल और ये था उसका प्याज। चल माँ। अरे राजू। अरे कैसे हो तुम लोग, बदल गया है रे। कहाँ जाकर है? पूजा और गुरुजी से मिलने जा रहा हूँ। आज मैं जो कुछ भी बना हूँ, पूजा के प्यार और गुरुजी के आशीर्वाद से ही बना हूँ। वो दोनों मुझसे मिलेंगे तो कितना खुश होंगे ना। तुझे वहां देखकर खुश होने वाला अब कोई भी नहीं। क्या मतलब? तेरे जाने के बाद गांव में इतनी जबरदस्त बाढ़ आई कि तेरे प्यार को बाहर ले गई। गुरुजी और पूजा अब दोनों इस दुनिया में नहीं है। पूजा, बैठ बेटा। बहुत अच्छा किया तुम दोनों जल्दी लौट आए। जल्दी से अपने काम की जिम्मेदारी संभालो ताकि मैं दूसरी जिम्मेदारी से आजाद हो जाऊं। कौन सी जिम्मेदारी जी? खोतिया, मैं लड़की का बाप हूँ, बाप होना भी तो जिम्मेदारी है कि नहीं? अयो जी, सच बोला। और श्याम, तेरे जाने के बाद मुझे असलियत का पता चला। दिव्या तेरे को बहुत चाहती है पुत्र, उसकी जिद है कि शादी करेगी तो तेरे साथ। और पुत्र, तेरे को दामाद बनाकर सबसे ज्यादा खुशी मेरे को होगी। माफ कीजिएगा सर, ये मुमकिन नहीं। कमाल यार, मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे करा रहा हूँ, तू कहता है मुमकिन नहीं है। देखिए सर, मेरी कुछ परेशानियां हैं जिन्हें मैं आप पर जाहिर नहीं कर सकता, मगर मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि मैं शादी नहीं कर सकता। दिव्या, दिव्या बेटी, बेटी रुक। श्याम, मैं समझा नहीं कि दिव्या से शादी तुम क्यों नहीं कर सकता। अयो जी, पूजा भाभी को याद याद करके अक्का जिंदगी काटेगा तुम, अकेला रहेगा, शादी नहीं करेगा, कैसा आदमी तुम? मैं तेरे हाथ जोड़ता शामू, लाइफ जीने का आइडिया थोड़ा चेंज कर। देख देख, गांव छोड़ने से पहले माँ जी मेरे हाथ में चुपचाप ये चिट्ठी दिया, बोला मरने से पहले एक बार फिर से तेरे को कुछ देखना चाहता, फिर से कुछ देखना चाहता तेरे को। छोड़ बेटी, इतनी सारी नींद की गोलियां, वो पैर है ये पैर। रोको उसको, नहीं तो वो अपनी जान दे देगा रे। तू जा शाबू, जाने दीजिए मुझे। तुमने किस अधिकार से मुझे चांटा मारा? तुम्हारे होने वाले पति के अधिकार से चांटा मारा है मैंने तुम्हें। अपने होने वाली पत्नी की बेवकूफी और जिद पर चांटा मारा है मैंने उसे। शक एकदम ठीक, ये अपना कंपनी का कैसेट डुप्लीकेट करके मार्केट में धड़ाधड़ बेचने वाला एक आदमी, वो कुत्ता राम प्यारे। सर, ये सैंपल्स कैसेट के, ये
आपके लिए। समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ, जाओ। चलो मैं सर। नहीं कोई बात। कौन हो तुम, यहाँ कैसे आए? अयो जी, हमें तेरे कैसे टकरी देने को आया। दिखने में सरदार और सुनने में मद्रासी। अयो जी, हमारा फादर नॉर्थ इंडियन, हमारा मदर साउथ इंडियन, इसलिए हम कंप्लीट इंडियन। मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, किसने पता दिया तुम्हें यहाँ का? अब पहले भी इधर कैसे टकरी देने को आया था। पहले भी? तुम हमको पहचाना नहीं? नहीं पहचाना। नहीं पहचाना? नहीं नहीं पहचाना। अरे बाबा नहीं पहचाना, इसको भी नहीं पहचाना। हाँ उसको। मैनेजर साहब, हराम की बहुत खाली। चलिए अभी सरकार की खाइए। हाँ, कुछ साल जी। यार मुत्तु, भगवान ने मुझे फंसा दिया। इस वार्ड में पूजा है और इस वार्ड में दिव्या है। डॉक्टरों का कहना है कि पूजा की दिमागी हालत इतनी खराब है कि अगर मैंने उसे दिव्या के बारे में सच बताया तो वो मर जाएगी, और दिव्या को अगर मैं पूजा के बारे में सच बताऊंगा तो वो अपने आप को मार डालेगी। हो गया कल्याण, हो गया, कुछ नहीं हो सकता मेरा, मैं पागल हो जाऊंगा। शाम ऐसी ऐसी करने से कुछ नहीं होएगा, कुछ सोचो। अब क्या सोचूं यार, वैसे एक आइडिया है मेरे पास। क्या? दिव्या, दिव्या, देखो दिव्या, डैडी के दिल का ऑपरेशन कराना बहुत जरूरी है। मेरी बात मानो तो यहां पर रिस्क मत लो।
डैडी को फौरन अमेरिका लेके चले जाओ। अमेरिका? क्या बात कर रहे हो श्याम, यहाँ एक से एक वर्ल्ड फेमस डॉक्टर्स हैं। हाँ लेकिन यहाँ पर वो फैसिलिटीज नहीं है ना। मेरी बात मानो, देखो मैं डैडी को बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी भी तरह का रिस्क मत लो, तुम डैडी को अमेरिका लेकर निकल जाओ। मगर ये सब इतनी जल्दी होगा कैसे? तुम उसकी परवाह मत करो, मैंने सारा बंदोबस्त कर दिया। ये लो अमेरिका के दो टिकटें। देखो दिव्या, रिस्क मत लो प्लीज। श्याम